हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि हिमाचल प्रदेश की है। जी हाँ, जहाँ पर एक ऐसी जगह है जो बहुत ही यूनिक है। जी, मैं बात कर रही हूँ मसरूर टेंपल की। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो 507 किलोमीटर दूर है ये लगभग नोएडा से। और अगर कांगड़ा से बात करूं, अगर आप हिमाचल प्रदेश में गए हैं कांगड़ा तक और वहां से फिर आप जाना चाहते हैं मसरूर टेंपल, तो आपको ये पड़ेगा लगभग 36.5 किलोमीटर, 36.5 किलोमीटर की दूरी होगी जो आपको तय करनी होगी। अगर आप धर्मशाला से आ रहे हैं तो आपको एक जगह मिलेगी रानी ताल, तो वहाँ से आप जा सकते हैं मसरूर टेंपल। और एक लुंज जगह से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे मसरूर टेंपल पहुँचने में। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मसरूर टेंपल और ये यहाँ एंट्री है। भीड़ नहीं है तो इसलिए हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसमें जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत खूबसूरत है। और यस, ये एक पहाड़ है जिसको काट के बनाया गया है। और सारे लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर एक भूकंप आया था बहुत भारी, जिसमें इस मंदिर में काफी नुकसान भी हुआ है। तो ये बाद में आर्टिफिशियल बनाई गई है। यस, आर्टिफिशियल बनाई गई है बाद में। ये देखिए आप, ये आगे एक हैंडसम लड़का जा रहा है जो आपको बताएगा मसरूर टेंपल के बारे में। सबको बार बार बताने में पुलिस ने बोर्ड लगवा दिया है। इंग्लिश वाले इसमें पढ़ लें और अपने हिंदी वाले इसमें पढ़ लें। मंदिर मूल रूप से 19 मुक्त खड़ी संरचना वाले मंदिर का समूह है। तथापि वर्तमान में से कुछ की शेष है जिन पर वर्ष 1905 के विनाशकारी भूकंप के चिन्ह देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बाद में पढ़ लेंगे। टिकट भी लगती है तो टिकट निकाल लें अपनी ऑनलाइन। और ये रास्ता कहाँ जाता है हमें पता नहीं है। इसको रॉकर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो इसका निर्माण और नक्काशी आज भी कारीगरों के लिए रहस्य से कम नहीं है। आज भी सबके लिए रहस्य है हिमाचल का ये मंदिर। मंदिर किसने और किन कारीगरों ने बनाया, इसकी आज तक किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में जो नक्काशी इस्तेमाल की गई है वो 7वीं शताब्दी में पल्लव किंग नरसिंह वर्मन प्रथम के समय की लगती है। इसका निर्माण दक्षिण भारत के कई मंदिरों के साथ किया गया था ऐसा मानना है। और साथ ही मसरूर का ये विश्व विख्यात मंदिर हिमाचल के कांगड़ा से लगभग, मैंने बताया आपको, लगभग 36 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो आर्ट्स हैं वो इस रॉक में ही बनाई गई हैं। शिव जी, ये बजरंगबली, ये पूरा टेंपल प्लस रॉक, ये स्टेयर्स पे हैं ऊपर जाने के लिए, बट अभी के लिए बंद है। ओहो, नहीं खुला है, बट यहाँ पर एक बैरियर लगवाया गया है इससे कोई आगे ना जा पाए। ये मंदिर शायद यहाँ पे भूकंप के बाद काफी चीजें टूट गई हैं। ये अंदर मंदिर बना हुआ है। लिखा हुआ है मंदिर में किसी भी प्रकार की अथवा भेंट या चढ़ावा न चढ़ाएं।
अगर बात करें श्रद्धालुओं की तो यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पहुँचते हैं। मंदिर के मुख्य गेट से लेकर सभी दीवारों पर दुर्लभ नक्काशी आज भी मौजूद है। आपको बता दें, ये मंदिर 15 स्थिर और मजबूत चट्टानों का एक समूह था जिसे कारीगरों ने काटकर मंदिर की शक्ल दे दी। इन चट्टानों में इंडो आयरन स्टाइल की नक्काशी की गई है। उत्तर भारत में ये इकलौता मंदिर है जिसका निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। जी हाँ, पूरे उत्तर भारत में आपको इस तरह का दूसरा मंदिर देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगी कि आप इस मंदिर में जरूर जाएं। मुख्य मंदिर पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता की छवियां अंकित की गई हैं। साथ ही भगवान शिव की भी एक कलाकृति यहाँ है। ये मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। मसरूर मंदिर को करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों पर बनाया गया है। इन्हें विश्व के अजूबों में से एक माना जाता है। मंदिर के आगे एक बड़ा तालाब भी है जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। आर्किटेक्चर मानते हैं कि चट्टानों को काटकर इस तरह का निर्माण करना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि भारी आक्रमण और 1905 को आए भूकंप के कारण मंदिर ने अपनी सुंदरता भी खोई है, मगर आज यहाँ कुछ एक ही ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए हैं। मंदिर के कुछ एक हिस्से स्टेट म्यूजियम शिमला में भी रखे जा चुके हैं। तो ये इस मंदिर की कुछ खास जानकारी जो हमने आप तक पहुँचाई, और साथ ही साथ आपको हम दिखा रहे हैं मंदिर की झलकियाँ कि ये मंदिर कितना खूबसूरत है और इसमें आज भी बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।